आइए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का बात अतीक अहमद की। अतीक अहमद को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी चल रही है, आपराधिक गतिविधियों के चलते इस फैसले को लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं अतीक अहमद से जुड़ी हुई। पहले खबर आती है कि अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा और उसके बाद अतीक अहमद ये गुहार लगाता है कि उसे प्रयागराज में ना रखा जाए, उसे यूपी में ना रखा जाए, उसको वापस साबरमती भेजा जाए। तो साबरमती जेल में इस वक्त अतीक अहमद कैद है, लेकिन अभी खबर आई है कि माफिया अतीक को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी चल रही है, आपराधिक गतिविधियों के चलते ये फैसला लिया गया। हालांकि साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने जिस तरीके से सरकार को चुनौतियां दी, पुलिस को चुनौतियां दी, अपना एक साम्राज्य वहां पे भी खड़ा कर दिया और वहीं से ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ऐसे में साबरमती जेल में भी जो तमाम जो पुलिस अधिकारी थे जिसपे संदेह था उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अभी खबर यह है कि अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी है।